हे दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एज इट इज का रिजल्ट कैसा रहा, कैसा एब्जॉर्ब होता है और कैसा ये आपको रिकवरी देता है। तो दोस्तों, आपको आई होप आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था इसकी मिक्सिबिलिटी और इसका टेस्ट और इसमें एक स्कोप में कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम फैट है और कितने ग्राम कार्ब्स है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया। अगर आपको नहीं पता चला तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों देखो, आप जैसे देख सकते हैं मैंने अपना ये प्रोटीन लगभग एक या दो दिन का रह गया, खत्म कर ही दिया है। मैं इसके दिन में दो स्कोप लेता हूँ, इसको 10 दिन हो गए हैं, मतलब लेते 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेते हुए, क्योंकि ये सबसे आज तक का सबसे चीप प्रोटीन। तो हम मिलते हैं 2 मिनट के बाद, वी विल बी राइट बैक इन 2 मिनट्स। सबसे पहली बात, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया। दूसरी बात, ये मैंने अपने दोस्त से ली। तीसरी बात, ये सबसे मुझे उसने ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया। तो दोस्तों, मैंने कईयों से सुना है कि भाई ड्रो प्रोटीन है वो अच्छा मिक्स नहीं होता। बिल्कुल गलत, बिल्कुल रॉन्ग है। जो वे प्रोटीन है वो भी 10 सेकंड के अंदर मिक्स अच्छी तरह से होते हैं और इसकी मिक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये जब देख सकते हो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत ही रह गया है प्रोटीन। और मैं दोबारा से इसमें पढ़ के दिखा देता हूँ। जिसमें एक स्कूप 30 ग्राम था, 24 ग्राम प्रोटीन, जिसमें 2.5 ग्राम कार्ब्स और 1.5 ग्राम फैट जो आम है हर एक में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इंग्रेडिएंट्स हैं वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स, जिससे आपको पीते हुए कैसा लगा कि मैंने कच्चा दूध पिया, फीका दूध पिया है बिना गर्म करवा। अगर आप पिया हो तो बिना गर्म करने से पहले जो दूध का टेस्ट होता है वैसा इसका टेस्ट लगता है। अब बात आते हैं, मैंने इसको लिया कब। मैंने तो इसको दिन में लिया शेक के दौरान, जब मैं अपना बनाना शेक लेता हूँ दिन में 12 से 1 बजे के बीच में, उस समय लिया। और एक मैंने पोस्ट वर्कआउट के समय लिया, मैंने इसके दिन में 2 स्कूप लिए। तो दोस्तों, मुझसे पूछते हैं इसका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट कैसा है। तो ये नहीं है कि आप अगर एक ले लोगे तो आपको ये पता लगेगा, आपको ये भाई गुरु मान बना देगा या तीर्थलाल या साहिल खान जैसी बॉडी आपको दे देगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बहुत ही, मुझे जैसा लगा, जिसको दूध हजम होता है उसको ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से डाइजेस्ट हुआ। मैंने इसमें अपनी एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से स्ट्रेंथ वाली की है, मैंने इसमें पावर की भी एक्सरसाइज किया, मैंने इसमें कार्डियो भी किया, जिससे मुझे इसमें कोई भी फर्क नहीं। मैंने इससे पहले प्रोस्टार का यूज़ किया, अब मैंने ये यूज़ किया है। तो दोस्तों, प्रोस्टार और इसमें मुझे कुछ भी फर्क नहीं लगा रिजल्ट में, कैसी रिकवरी देता है और कैसी इसकी मसल को परफॉर्मेंस करने में ये सहायता करता है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराइए मत, अगर आपका बजट कम है तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं खुद नहीं लेता। मैं भाई अगर ऑनलाइन मैंने मंगा भी लिया और बाई चांस ये नकली निकल भी गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप उससे लेना ये प्रोटीन, 100-200 रुपये आपको महंगा जरूर मिलेगा लेकिन ओरिजिनल मिलेगा। अगर नकली भी मिलेगा तो हम उससे कहने के तो जाएंगे तो बोलते हाँ भाई तूने नकली लिया। तो दोस्तों, मिक्सिबिलिटी इसकी गुड है, डाइजेशन इसका वेरी गुड है। जैसे मैंने इसको डाइजेस्ट किया, मैंने इसको पिया वर्कआउट के करके, तो मुझे 30 मिनट में पता भी नहीं लगा कि ये कहाँ गया। तो इसकी मिक्सिबिलिटी, डाइजेशन और जो जो बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है वो भी, क्योंकि आप देखते हो वे प्रोटीन जो आइसोलेट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू जिसे कहते हैं, वो होती है 100 से लेके 150 तक। और जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है, जो मिल्क होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है 100, जो मिल्क प्रोडक्ट होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, एग ओलैक की 100% होती है और इसकी भी 100% होती है। तो दोस्तों, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये बात होगी। तो दोस्तों, घबराइए मत। हाँ, कुछ बंदे कहेंगे कि आप प्रोस्टार ले लो, थोड़ा ही बहुत फर्क है। प्रोस्टार आपको लगभग 3500 से 3600 के बीच में मिल जाएगा,
कहीं 3800 का मिल जाएगा, कहीं 4000 का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा प्रोस्टार की कीमत नहीं है। वो आपको मिलेगा 80 स्कूप, मतलब 80 दिन का एक एक स्कूप, मतलब आप दो स्कूप लोगे तो 40 दिन, मतलब 40 दिन चलेगा आपके पास वो दो स्कूप लोगे, और उसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम ज़्यादा है एक स्कूप में, और 30 ग्राम का वो है उसका भी स्कूप, और 25 ग्राम उसमें प्रोटीन है। इसमें 30 ग्राम का स्कूप है, 24 ग्राम प्रोटीन है, वो ब्लेंड है, ये कंसनट्रेट है, बस ये है उसके अंदर। और दोस्तों के जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हो तो हमारी जो बॉडी की डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है, तो दोस्तों आप घबराइए मत, ये बिल्कुल आपको डाइजेशन अच्छी तरह होगा। बस जो इसको दूध हजम नहीं होता वो इसको मत लेना, वो आइसोलेट की प्रोटीन लेना, क्योंकि वो आपको सही से डाइजेस्ट भी होगा। तो दोस्तों घबराइए मत, रॉ प्रोटीन और एज इट इज को मैं दूंगा मिक्सिबिलिटी पे 5 to 5 स्टार, रिजल्ट पे 5 to 5 स्टार, टेस्ट पे 5 to 3.5 स्टार, और प्राइस पे 5 to 5 स्टार, 5 पास में से 5 स्टार। तो दोस्तों ये ऑल ओवर देखा जाए तो मैं इसको 5 में से 4.5 दूंगा एज इट इज, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रिकवरी बेस्ट है, डाइजेशन बेस्ट है, और जिसको दूध अच्छा, दूध का टेस्ट अच्छा लगता है, दूध का टेस्ट अच्छा लगता है, उसके लिए टेस्ट भी बेस्ट है। तो दोस्तों आज की थी मेरी वीडियो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक के बटन को नीला कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।